नमस्कार दोस्तों मेरे नाम श्रीकांत कुमार आप देख रहे टू जेट प्रोसेस आज हम बात करने वाली इस वीडियो में दोस्तों भारत सरकार द्वारा एक नया पोर्टल को जारी किया गया है जिसमें आप घर बैठे मोबाइल के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का आंख को जांच कर सकते हैं कि आंख खराब है या फिर सही है क्या प्रॉब्लम है क्या दिक्कत है सब कुछ दोस्तों मोबाइल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में जांच कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप मोबाइल से चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा

क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ऐप्स देखने के लिए मिल जाता है और ये ऐप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो इस ऐप्स को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है अगर आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है तो इस ऐप्स को सबसे पहले अपडेट कर लेना है ऐप्स को इस प्रकार से ओपन कर लेना है और यहाँ पे देखिए ऐप्स ओपन होना शुरू हो गया है यहाँ पे अपना लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है ऐप्स इस प्रकार से ओपन हो जाता है तो इस ऐप्स में सबसे पहले अपना अकाउंट को क्रिएट करना होगा तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए रजिस्टर लॉगिन के ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है उसके बाद इस प्रकार के पेज ओपन हो जाता है तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए रजिस्टर हेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले अपना अकाउंट को क्रिएट कर लेना है जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है यानी आपका अकाउंट बन जाता है तो इस बॉक्स में मोबाइल नंबर को फिलअप करना है इस बॉक्स में जो भी अपना मनपसंद से अकाउंट क्रिएट करते समय पी नंबर बनाए होंगे यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है उसके बाद लॉग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है लॉगिन होने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है और दोस्तों जो नया पोर्टल जारी किया गया है भारत सरकार द्वारा तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है और यहां पे भी देखने के लिए मिल जाता है सिटीजन आई केयर इस पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो इस पोर्टल पे जा सकते हैं या फिर आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सर्च में यहां पर टाइप करना होगा सिटीजन आई केयर जैसे सर्च करते हैं तो यहां पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है किसी व एक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा या फिर आप डायरेक्ट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो है कि भारत सरकार द्वारा जो नया पोर्टल जारी किया गया है इस प्रकार से ओपन हो जाता है दोस्तों ओपन होने से पहले यहाँ पे देखिए एक डिस्क्लेमर शो हो जाता है तो इसको आपको रीडिंग कर लेना है और ये पोर्टल जो जारी किया गया है इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए यहाँ पे जारी किया गया है सब यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है सिटीजन आई केयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी पूरे भारत के लिए यहाँ पे जारी किया गया है और यहाँ पे देखिए बहुत सारे सर्विस यहाँ पे ऐड किया गया है तो मोबाइल से आपको कैसे चेक करना है कि मेरा आंख में क्या प्रॉब्लम है खराब है या फिर सही है तो उसके लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा दोस्तों चेक करने से पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए लक्षण बीमारी ये सब के बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल्स में बताया गया है तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आपको बारीक बारीक से पढ़ लेना है जैसे यहाँ पे दिया गया लाल है जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से अगर आपका लाल आँख दिख रहा है तो आपको मतलब क्या दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है आखिर इस प्रकार से जो है कि लाल आँख क्यों होता है तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बताया गया तो इसे को आपको तो पढ़ लेना है उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया कि लक्षण अगर ऐसा आँख में दिखता है तो ये मतलब कौन कौन सी लक्षण का यहाँ पे संकेत बताया गया तो यहाँ पे देखिए बताया गया है पहला स्टेप में यहाँ पे देखिए बताया कि ज़्यादा समय तक कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखना काम करना आँख को रगड़ना आँखों की एलर्जी नींद से जुड़ी गल गलत आदतें इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है कि आँख जो लाल हो जाता है आखिर में लक्षण क्या है तो यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है ऐसे में दोस्तों बहुत लोग का जो है कि आँख लाल हो जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिर में लाल जो होता है आँख आखिर क्यों होता है तो यहाँ पे आप लक्षण देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे देखिए दिया गया है कि दृष्टि में धुंधलापन अगर आपको आंख से नहीं दिख रहा है धुंधला दिख रहा है तो फिर आपका लक्षण क्या है तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लक्षण बताया गया है अगर आपको सिर दर्द दे रहा है तो यहाँ पे देखिए बताया गया है तीसरा ऑप्शन में कि आखिर आपको सिर दर्द के मतलब आखिर क्यों दे रहा है तो यहाँ पे देखिए बताया गया है इसका लक्षण इसके बारे में यहाँ पे देखिए बताया गया है इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन को ऐड किया गया है तो यहाँ पे आपको बारीक बारीक से पढ़ लेना है और नॉलेज यहाँ पे ले लेना है जो आपको भविष्य में जो है कि बहुत यहाँ पे काम देगा दूसरा ऑप्शन में दोस्तों ऐड किया गया है कि आँखों की बीमारी जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है नेत्र की संरचना और कार्य और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिया गया आंखों की बीमारी तो चलिए पहला वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बताया गया है, तो इसे आपको रीडिंग कर लेना सही तरीके से आपको नॉलेज ले लेना है या फिर आप दूसरे वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आंखों की बीमारी तो इस पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है तो आपको सही तरीके से नॉलेज ले लेना है जैसे हम पहला वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं मोतिया बिंद बहुत के लोग का बीमारी हो जाता है तो आखिर में क्यों होता है कैसे होता है क्या प्रॉब्लम है क्या दिक्कत है कितने उम्र में हो जाता है सब कुछ यहाँ पे बताया गया है आपको यहाँ पे पढ़ लेना है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है तो आपको बारीक बारीक से पढ़ लेना है आंख को कैसे देखभाल करना है सब कुछ यहाँ पे दिया गया है तो अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं तो चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जांच कैसे किया जाता है कि मेरा आंख खराब है या फिर सही है तो यहाँ पर दिया गया लक्षण जाँचें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अपना उम्र यहाँ पर टाइप करना होगा तो मेरा उम्र जो है कि यहाँ पर टाइप कर लेते हैं जैसे पच्चीस है उसके बाद यहाँ पे जो है कि अपना जेंडर को सिलेक्ट करना हो कि आप जो है कि फेमेल हैं या मेल हैं यहाँ पे सिलेक्ट करना उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि मैंने नियमों को पढ़ लिया और उनसे सहमत हुई जो भी अभी आप सभी को मत लाएं उसको पढ़ लिए हैं उसके बाद यहाँ पे बॉक्स पर पे टिकआउट करना है और यहाँ पर दिया गया शुरू करें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि पहला में आपसे पूछा गया है कि आप आमतौर पर क्या पहनते हैं चश्मा अगर आप पहनते हैं तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा अगर नहीं पहनते इसे छोड़ देना है इसी प्रकार से यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आप क्या पहनते हैं या नहीं पहनते तो चलिए हम यहाँ पर चश्मा पहनते हैं तो चश्मा को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद नीचे चले आएंगे और भी चश्मा पहनते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए दूसरा में आपसे पूछा है क्या आपके पास दूरी के लिए धुंधली दृष्टि है तो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम है अगर मतलब धुंधला दिखता है तो यहाँ से सिलेक्ट करना है अगर नहीं है तो यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है तो चलिए हम सिलेक्ट करते हैं उसके बाद दोस्तों तीसरा ऑप्शन में पूछा गया है क्या आपको अखबार में या पास के काम के दौरान साधारण प्रिंट पढ़ने में कठिनाई होती है अगर पढ़ने में दिक्कत होता है तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों यहाँ पे जो कि बारीक बारीक से अगर हम पढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो है कि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा तो इसलिए हम यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे पढ़ लेना है जो भी स्टेप आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे आपको सही जवाब यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है तो चलिए हम इस प्रकार से सिलेक्ट करते जाते हैं देखिए इस प्रकार से हम सिलेक्ट कर लिए हैं अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है क्या आपको दोनों आंखों में तकलीफ है तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो भी समस्या यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे दिया गया खोजें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से रिजल्ट आ जाता है और यहाँ पे देखिए एक नोट में बताया गया कि एक उपदेश के लिए यहाँ पे बताया गया आपको डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है तो यहाँ पे देखिए बताया कि आगे की जांच के लिए कृपया नजदीकी नेत्र चिकित्सालय जो है अस्पताल है वहाँ पे आपको जाना होगा और यहाँ पे एक लिंक दिया गया इस लिंक पे क्लिक करके आपको यहाँ पे रिजल्ट को चेक कर लेना और यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट आ गया है रेटिना अलग होना ये जो आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है जो भी हम प्रॉब्लम सेलेक्ट किए हैं वो प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए बताए कि रे रेटिना अलग होना मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी ये प्रॉब्लम है आपके आँख में तो इस प्रकार से आप जो है घर बैठे जांच कर सकते हैं तो चलिए वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ब्लैक एंड घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा